फ्रेंड्स, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी GTA-5 के अंदर एडम स्पॉनर ट्रेनर। इस एडम स्पॉनर ट्रेनर के थ्रू आप अपनी गाड़ियों को अपनी गेम के अंदर स्पॉन कर सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए पहले तो आपकी GTA को मोड होना ज़रूरी है, और आपकी GTA पहले से मोड है तो आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है। और अगर आपकी GTA मोड नहीं है तो पहले जाके आप मेरी वीडियो देखिए, हाउ टू मोड GTA, और अपनी GTA को मोड करिए, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करिए। पहले हमें इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इस फाइल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं नहीं करूँगा। आपको जाना है आपकी डाउनलोड्स में, जहाँ पे आपकी फाइलें डाउनलोड होती हैं। मेरी यहाँ पर कंप्रेस में ये रहा, इसे ओपन कर लेना है। इसके अंदर ये कुछ फाइलें हैं, तो सिंपल आपको अपनी GTA फाइल की मेन डायरेक्टरी में जाना है। ओपन कर लेना जो आपने बोला था इसको फोल्डर, तो ये सारी फाइलें उठा करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। बस मैंने पहले से की हुई है इसलिए मैं नहीं करूँगा, तो आपको करना है। तो बस आपका एडवांस प्रॉन ट्रेनर इंस्टॉल हो चुका है, कुछ कट कर देना है। चलो मैं आपको गेम के अंदर जाके दिखा देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो, हम गेम के अंदर आ चुके हैं। हम अपने एडवांस कॉर्नर ट्रेनर को यूज़ करने के लिए F5 प्रेस करना है। ये देखिए, आप व्हीकल्स को नेम से भी स्पॉन कर सकते हो, और जैसे आप कोई गाड़ी इंस्टॉल करते हो अलग से तो वो सारी गाड़ियां भी यहाँ पे ही आपको दिखाई दी जाएंगी। जैसे मैं भी आपको जो गेम के अंदर कार्स हैं उनको स्पॉन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, हेलीकॉप्टर, मोटरसाइकिल्स का दिखाता हूँ। ये देखिए गाड़ी, मोटरसाइकिल्स। Hey, what's going down? Franklin, I'm about to... that's all. Friends, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।